नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ मैं अलाइफ ब्लू के एंट मूवी के बारे में, जो कि उनका एक मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो कैसे स्टार्ट करना है उसके साथ में, आपको प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है एंट मूवी। तो सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन है आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद उस पर ट्रेड कैसे डालना है ये सब चीज़ें हम वीडियो के अंदर जानेंगे। और ये बोट जो है ये भी उन्हीं के द्वारा, उनका ही एप्लीकेशन है जिसमें कि हम बैक ऑफिस के सारे जो फंक्शंस रहते हैं, जो चीज़ें रहती हैं वो वहाँ चेक करते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, MTM, लेजर रिपोर्ट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फंड पे इन पे आउट भी इस बोर्ड के थ्रू ही हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलाइस ब्लू के ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जहाँ पे जो भी अलाइस ब्लू के अंदर हो रहा है या जो भी वीडियोज आपको चाहिए हेल्प के लिए वो सारे मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। और उसके साथ साथ में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ से वो आप वहाँ पे देख सकते हैं चैनल के अंदर। और कुछ ऐसे भी चैनल हैं जहाँ पे आप फ्री में टिप्स पा सकते हैं, MCX में, स्टॉक मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी, जो भी आप ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, सब मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आईडी पासवर्ड मांगेगा, डाल देना है आपको, खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले लॉगिन किया था तो ये मेरा लॉगिन दिखा रहा है। तो मैं वीडियो शॉर्ट तरीके से बताता हूँ जैसे कि आराम से आप समझ सकें, आप पहली बार भी अगर डालना चाहते हैं ऑर्डर तो आप डाल पाएँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये डैशबोर्ड में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ क्लिक करके आप जो ऊपर ये साइन है चांद और सूरज जैसा, ठीक है, तो इससे आप इसका थीम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस थीम पे ही वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट वॉच देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि MCX, बैंक, इक्विटीज या जो भी आप मार्केट वॉच बनाना चाहते हैं, पांच मार्केट वॉच हैं, बना सकते हैं। और जिसमें जो भी ऐड करना है आप कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, सपोज़ मेरे को ऐड करना है बैंक में, यहाँ पर मेरे को बैंक ऐड करना है PNB नवंबर, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ऐड हो जाएगा। अब मान लो मेरे को स्विच करना है MCX पे, तो मैं MCX पे आ गया। अब आपको और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ऑर्डर बुक है, ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप नीचे डायरेक्टली, आप या यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं जो बुक जैसा साइन बना हुआ है। पोर्टफोलियो के अंदर आपको क्या मिलेगा, आज आपने क्या बाई सेल क्या किया है वो सब मिलेगा। तो मैं वीडियो बना रहा था अभी तो उसी पे 100 रुपीज़ का लॉस हो गया, फिर मैं दोबारा, मैंने सोचा कि और अच्छे तरीके से बनाता हूँ वीडियो तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो इसके ऊपर आपकी जो पोजीशंस हैं वो दिखाएगा, 2x2 सेल की है, 100 रुपीज़ लॉस, होल्डिंग्स में क्या है, जो भी आपने डिलीवरी में ले रखी है पोजीशंस, कैश के अंदर आपका ये मार्जिन दिखाएगा, जो भी मार्जिन आपके अकाउंट में होगा, ठीक है। उसके बाद में ये एक अलार्म के लिए ऑप्शन है, आप कोई अलार्म सेट करना चाहते हैं, प्राइस अलर्ट, तो वो कर सकते हैं आप यहाँ से। और डे गेनर्स डे लूजर्स आप जो भी देखना चाहते हैं यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, वैल्यू आपको नीचे दिखाने लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें बाई सेल कैसे करना है। तो सपोज मैं क्रूड मिनी में पोजीशन लेता हूँ, आप अगर डेप्थ देखेंगे तो यहाँ पे बायर सेलर्स ये सब वॉल्यूम ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको। उसके बाद आप चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट्स दिख जाएंगे, और यहाँ पे ये इंडिकेटर्स, ये सारी सेटिंग्स से आप क्लिक कर करके देख लीजिए, सारा कुछ दिख जाएगा आपको। प्लस FX जो है वो इंडिकेटर्स के लिए है, तो वहाँ से आप इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इन्फो के अंदर क्या एक्सपायरी है, कहाँ का है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। ये वैल्यूज आप पढ़ेंगे सीधे सीधे सिंपली, वो सारी चीज़ें, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो बताने लायक हो, आप एक बार देख लेंगे समझ जाएंगे। ट्रेड करने के लिए क्या करना है, ट्रेड करने के लिए आपको एक्चुअली, आपको लग रहा होगा आप अगर जिरोधा में ट्रेड कर चुके हैं कि बिल्कुल जिरोधा जैसा है, एक्चुअली ये जो जिसने बनाया है इस कंपनी ने, ट्रेड लैब ने इसको बनाया है, जिरोधा का भी प्लेटफॉर्म जो काइट है वो भी इसी कंपनी ने बनाया है, तो इसलिए एक जैसा है लगभग, थोड़ा सा चेंजेज है। सपोज मेरे को क्रूड करना है, अब मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस भी पुट हो जाए एक ही बार में और टारगेट भी लग जाए और इंट्राडे ट्रेड रहेगी वो, बट ठीक है। तो वो क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर। सपोज मेरे को बाई करना है, अभी प्राइस चल रहा है 5250,
अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जाएंगे ब्रैकेट ऑर्डर पे। मेरे को बाई करना है, सपोज मैं चाहता हूँ बाई करना 40 पे। ओके, इस फॉर्मेट में आपको डालना है 40.0, समटाइम्स लेता नहीं है तो आप इस फॉर्मेट में डालिए 52.40.0। मैं चाहता हूँ मेरा बाई कब हो, जब ये 52.40 हो। कितनी क्वांटिटी हो, एक क्वांटिटी हो। मेरा स्टॉप लॉस में क्या रखना चाहता हूँ, 52.20, बट आप इस फॉर्मेट में नहीं डालेंगे एसएल। आपको कैसे डालना है, मेरे को डालना है स्टॉप लॉस 52.20, दैट मीन्स 40 से 20 का एसएल लगाऊंगा तो कितने पॉइंट का हो गया, 20 पॉइंट का। यानी मेरे को पॉइंट्स यहाँ पे डालने हैं कि मेरा एसएल कितने पॉइंट्स का है, ऐसे ही टारगेट आपको रखना है। मान लो मैं 40 पॉइंट का टारगेट लगाता हूँ, यानी मेरा टारगेट कितना हो गया, 52.80। अब मैं यहाँ पे इसको बाई करूँगा तो ये बाई हो जाएगा। उसके बाद में सपोज, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइव एग्जांपल। अभी ये 52.48 चल रहा है, बाई करना है मेरे को। ये देखो, ये वैल्यू आपको यहाँ दिखाती है क्रूड ऑयल नवंबर के सामने कि अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है, क्योंकि हम मार्केट वॉच तो जाएंगे नहीं बार बार दोबारा। तो आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। लाइव 52.48 पे बाई करता हूँ, एक क्वांटिटी स्टॉप लॉस रखता हूँ 14 पॉइंट का। 14 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, 34। अभी 48 प्राइस है, सॉरी 48 मैंने प्राइस में रखा है, मैं 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 52.48 - 14, यानी 34 का स्टॉप लॉस हो गया मेरा। टारगेट में रखना चाहता हूँ 62 का, तो मेरे को कितना पॉइंट डालना पड़ेगा यहाँ पे, 14 पॉइंट ही डालना पड़ेगा मेरे को। अब मैं अगर इसको बाई कर दूंगा तो ये बाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कैसे चेक करूंगा बाई हुआ नहीं हुआ, ये नीचे बुक का जो सिंबल है उस पर क्लिक करूंगा। तो अभी ये मेरा ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है कि ये अभी बाई एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो अभी मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, प्राइस आ गए हैं थोड़े ऊपर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 51। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, स्टॉप लॉस तभी मॉडिफाई होगा जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो। अब देखेंगे मेरा बाइंग हो चुकी है, सबसे ऊपर वाला ऑर्डर देखिए 52.51 पे मेरा बाई हो गया है। अब देखेंगे आपने स्टॉप लॉस क्या लगाया था, ओके 14 पॉइंट का, 14 यानी 51 से 14 पॉइंट टारगेट क्या हो गया, स्टॉप लॉस 37 का हो गया, क्योंकि मैंने 51 पे बाई किया है ना कि 48 पे। यानी 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी 37, 14 पॉइंट का टारगेट यानी 65। अब मान लो आपको इसी टाइम प्रॉफिट बुक करना है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी ऑर्डर पर क्लिक करिए दोनों में से जो भी पेंडिंग है, और नीचे एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए। बट मान लो मेरे को मॉडिफाई करना है, तो अब आपको पता है कि 65 वाला आपका टारगेट का ऑर्डर है, तो आप मान लो टारगेट बढ़ाना चाहते हैं, 70 करना है मेरे को, मैं मॉडिफाई करूँगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या डालना है, वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 70। यानी अब मेरा टारगेट नीचे देखेंगे, मॉडिफाई कर दिया मैंने, अब मेरा टारगेट हो गया 70 का। सपोज मार्केट नीचे गिरने लगा, आप चाहते हैं एसएल मॉडिफाई करना, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मान लो आप डालना चाहते हो अब 33 का या 31 का, तो ये मेरा एसएल मॉडिफाई हो गया। तो ये ऑर्डर जो होगा वो इंट्राडे ऑर्डर होगा, और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो 11:20 और 3:20 होती है, NSCVSE की ये 3:20, MCX की 11:20, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। अब मान लो मेरे को ये ऑर्डर बुक करना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी ऑर्डर को खोलूँगा और उस पर एग्जिट कर दूँगा। तो ये हो गया मेरा एग्जिट, यानी मैंने 51 पे बाई करके 47 पे सेल कर दिया, यानी मेरे को यहाँ पे ये कुछ लॉस हुआ वो मैं यहाँ देख सकता हूँ। इसके अंदर जाके पोजीशंस पे जाना पड़ेगा, तो ये मेरे को दिखाएगा। मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग का मेरा भी ऐसा मकसद नहीं है। उसके बाद मैं आपको जो और ऑर्डर्स हैं वो बताता हूँ। मार्केट वॉच पे जाता हूँ। अब मेरे को सपोज क्रूड ऑयल मेरे को करना है बाई। एक होता है कवर ऑर्डर, जिसमें थोड़ी सी लेवरेज हमें ज़्यादा मिलती है। कवर ऑर्डर में क्या होता है, हम टारगेट नहीं लगा सकते हैं। अब मान लो मेरे को कहाँ पे बाई करना है, ठीक है। देखो बाई इसमें क्या है, लिमिट लगा सकते हैं ऊपर। आप मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा बाई हो 52.45 पे, या अभी देखो 49 चला गया है, मैं चाहता हूँ 48 पे बाई हो जाए, और मेरा ट्रिगर्ड प्राइस मैं इसके नीचे नहीं रख पाऊँगा,
ट्रिगर्ड प्राइस, तो मेरे को ट्रिगर्ड प्राइस क्या रखना है, मान लो मैं रखना चाहता हूँ 5-2, 5-2, मान लो मैं रखना चाहता हूँ 4-0, यानी मेरा कितने का एसएल है, 5-4-0 का एसएल है, और मैं बाई कहाँ कर रहा हूँ, 5-4-8 पे, ठीक है। ये कवर ऑर्डर सबसे ऊपर देखें, कवर ऑर्डर मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं मार्केट पे भी कर सकता हूँ कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। जल्दी मान लो मेरे को तुरंत बाई करना है तो मार्केट पे करूँगा, मैं लिमिट लगा करूँगा, तो मैं प्राइस डालूंगा फिर कि मेरे को प्राइस क्या डालने हैं। ट्रिगर प्राइस में मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्वांटिटी मेरी क्वांटिटी होगी, और इसमें टारगेट नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे को ये मान लो मैंने बाई कर दिया, देखेंगे मेरा बाई हो चुका होगा ऑलरेडी। अब मेरा देखो बाई कहाँ पे लगाया था मैंने, 48 पे, तो मेरा 48 पे बाई हो गया है। अब मेरे को जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, सपोज मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, मान लो मेरे को 30 करना है, मैंने 30 कर दिया। अब मान लो मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, तो आप समझेंगे नहीं, बहुत बार लोग नए नए होते हैं नहीं समझते कि कैसे मेरे को मेरा जो प्रॉफिट है बुक करना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, आपको इस ऑर्डर पे क्लिक करना है, जो आपका एसएल है उस पर आप एग्जिट कर देंगे, मार्केट रेट पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अभी क्या चल रहा है, 48 पे ही मैंने इसको बुक कर लिया, यानी मेरे को यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रोकरेज लग गई है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर्स लगाने होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। चार्ट पे चले जाते हैं, ये क्लिक करेंगे तो मान लो बाई करता हूँ मैं, रेगुलर मैं करूँगा, REG का मतलब है रेगुलर। और एक बार मैं आपको AMO भी बता देता हूँ। AMO बेसिकली आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं। जैसे मान लो आज NSE बंद हो जाएगा, BSE 3:30 बजे, मैं चाहता हूँ कि कल मंडे को जब भी खुले तो मेरा कोई ऑर्डर लगाना चाहता हूँ मैं, कि उस प्राइस अगर वो आता है तो मेरा बाई या सेल हो जाए, तो मैं वो यहाँ पे AMO सेलेक्ट करके, और बेसिकली ये नॉर्मल ऑर्डर ही होगा, और इसकी वो मतलब डे ही रखनी पड़ेगी, इंट्राडे नहीं होगा, डिलीवरी ही होगा ये, ठीक है। तो मान लो AMO सेलेक्ट किया, ये दोनों इसमें नॉर्मल और यही रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल और डे। उसके बाद जो भी आप बाई सेल लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अब मान लो मेरे को करना है ब्रैकेट, सॉरी मैं रेगुलर पे जाता हूँ। अब मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को बाई करना है और डिलीवरी में लेना चाहता हूँ मैं। जैसे मैं अभी बाई करूँगा, उसके लिए मैं स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा और मेरे को टारगेट भी अलग से लगाना पड़ेगा, लेकिन वो डिलीवरी ऑर्डर होगा, यानी मेरा रात में भी ऑर्डर नहीं कटेगा, और उसमें मैं इंट्राडे भी कर सकता हूँ। पर ब्रैकेट ऑर्डर में एक ही बार में सारे काम हो रहे हैं, तो मान लो मैं रेगुलर करता हूँ, मार्केट पे करता हूँ, मार्केट चल रहा है 5-2-4-5, ऊपर देखिए प्राइस वो बता रहा है वहाँ पे क्रूड ऑयल के सामने 5-2-4-5। मैं यहाँ पर सिर्फ इस पर अगर मैं MIS कर दूंगा तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा इंट्राडे के लिए, बट मेरे को यहाँ पे फिर इसका टारगेट भी अलग से लगाना पड़ेगा और स्टॉप लॉस भी अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, जैसे रेगुलर, मार्केट या लिमिट पे, मान लो मैं लिमिट पे करना चाह रहा हूँ, तो वही लिमिट वाला प्रोसीजर सेम है। मान लो कहाँ करना है, बाइंग करेंगे तो प्राइस के नीचे लगा सकते हैं, सेलिंग करेंगे तो प्राइस के ऊपर लगा सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे कोई भी प्राइस डाल दीजिए लिमिट पे, मान लो आपने डाल दिया 5-2-4-0। अब इसको आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, MIS भी रख सकते हैं। अब अगर मैं नॉर्मल में बाई करूँगा इसको और रेगुलर होगा ये, तो मेरा ये डिलीवरी होगा, यानी मैं इसको होल्ड कर पाऊँगा, आज रात के बाद भी होल्ड रहेगा मेरा ऑर्डर। तो इसके लिए मेरे को फिर स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। तो मैं इसका एग्जांपल लाइव आपको नहीं दे रहा हूँ, सिंपल है। इसमें देखो मेरा रेगुलर में बाई हो रहा है, लिमिट कहाँ लगा रहा हूँ, 5-2-4-0 पे लगा रहा हूँ, और नॉर्मल है मेरा, यानी ये रात के 12 मतलब मार्केट बंद होने के बाद भी पोजीशन ये मेरी रहेगी, ओके। तो अब मेरे को इसके बाद क्या करना है, मान लो मैं जाता हूँ अभी स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो मान लो मैंने 40 पे बाई कर लिया, यानी मैंने जो बाई लगाया था वो बाई हो चुका है। अब मेरे को बाई के लिए मेरा सेल ही टारगेट रहेगा और सेल ही SL रहेगा। तो सबसे पहले बताता हूँ टारगेट लगाना। अब मान लो मैंने 40 पे बाई कर लिया, अब मेरे को सारी चीज़ें सेम रखनी है, रेगुलर रखना है, और यहाँ पे मेरे को चेंज करना है लिमिट, यानी मैं टारगेट लगा रहा हूँ तो मैं लिमिट लगाऊंगा। मान लो मेरे को लगाना है 5-2-9-0 का टारगेट, एक क्वांटिटी थी, एक नॉर्मल, और ये डे रखना है। मैं इसको अगर सेल कर दूंगा तो जैसे ही प्राइस 90 पहुंचेगा, मेरा स्टॉप लॉस, सॉरी मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ये हो गया मेरा टारगेट लगाना। अब इस 40 वाले के लिए मैं चाहता हूँ 5-2-2-0 का स्टॉप लॉस लगाना। वो कैसे लगाना है, मैं जाऊँगा इसमें
रेगुलर ही रहेगा ये, तो मेरे को एसएल क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ट्रिगर्ड प्राइस में मेरे को क्या रखना है, जिस प्राइस का मैं स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ, यानी मैं लगाना चाह रहा हूँ 40 के बाई पे 20 का स्टॉप लॉस, 5 to 20 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वाली वैल्यू इसमें रहेगी, और ये वैल्यू हमेशा बाई के केस में थोड़ी इससे कम रहेगी, 5 to 10 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर ये कॉपर या जिंक होता तो 1 पॉइंट का गैप रख सकते हैं आप, और कोई भी अगर मान लीजिए शेयर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे भी आप 3-4 पॉइंट का अंतर रख दीजिए, 10 पॉइंट का रख दीजिए। तो जैसे अब मेरा ये 5 to 40 वाले के लिए 5 to 20 का स्टॉप लॉस है, मॉडिफाई करने के लिए वहीं पेंडिंग ऑर्डर में जाना है और वहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, अब अगर आप इसको MIS में लेना चाहते हैं तो MIS का मतलब वही है इंट्राडे, पर बेटर है कि अगर MIS ही करना है, इंट्राडे ही करना है, तो ब्रैकेट ऑर्डर क्यों ना करो, एक ही बार में तीनों काम हो जाएंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट और ऑर्डर भी पुट हो जाएगा। तो और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं बताने को आपको, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर जो पेंडिंग ऑर्डर रहता है वहाँ से जाके एग्जिट करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जांपल ये भी देखना तो चलो बता देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने बाई कर लिया है 40 पे, मैं एक स्टॉप लॉस रख के दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे ये ऐसा रख दिया 5 to 20 का, 40 पे बाई मान लो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने ये ऑर्डर रख दिया, अभी मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाएगा। देखिए ये ट्रिगर प्राइस 20, प्राइस में इससे कम रखना है। अगर ये सेल किया होता मैंने, मान लो अगर मैं सेल का लगाता, मान लो मैंने 40 पे सेल किया है और मैं 60 का ऐसा लगा रहा हूँ, तो ट्रिगर प्राइस में मैं 60 रखता, और सेलिंग की कंडीशन में ये प्राइस वाली वैल्यू इससे ज़्यादा होती, यानी 60, और उसमें 5 to 70 रखता मैं, 70, 72, 65 भी चल जाता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखिए। कभी कभी मार्केट बाउंस मतलब बहुत ज़्यादा गैप मार देता है, मान लो 5 पॉइंट दिखाई नहीं, जैसे 50 पे चल रहा है, 50 से सीधे मान लो 65 दिखा किसी समय पे, और आपकी वैल्यू जो 50 और 60 के बीच में, तो वो ऐसा ट्रिगर्ड नहीं होगा, वो उस रेंज में प्राइस गिरना चाहिए, तो थोड़ा बड़ा ही रखेंगे उसको, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखना है। ठीक है, तो और इसमें कुछ है नहीं खास बताने को, जो था मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और बताने में मेरा जो नुकसान हुआ है 140 रुपये, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अकाउंट खोलना है लाइफ ब्लू में तो आप मेरा नंबर नीचे मिल जाएगा आपको, मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।